नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जॉब करते हुए मोनिका बन गई महिलाओं में बीपीएससी टॉपर। कृषि मंत्री ने यूरिया की किल्लत पर जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया निर्देश। बढ़ती नदियों के जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन मंत्री ने दिए आवश्यक निर्देश। कश्मीर में एक बार फिर बिहारी बने निशाना। श्रीधर ने T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना भारत का पेस अटैक। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जॉब करते हुए मोनिका बन गई महिलाओं में बीपीएससी टॉपर। बीपीएससी के 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा में मोनिका श्रीवास्तव महिलाओं में टॉप करते हुए छठा स्थान प्राप्त किया है। मोनिका की इस उपलब्धि से जहां माता पिता गौरवान्वित हैं, तो वहीं जिले के लोग भी खुश हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोनिका को लोग अभी भी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मोनिका श्रीवास्तव सत्येंद्र नगर की रहने वाली है। उनके पिता का नाम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है, जो कि सहायक अभियंता है, और उनकी माँ भारती श्रीवास्तव प्रधानाध्यापिका है। आपको बताते चले कि मोनिका ने IIT की प्रवेश परीक्षा में भी लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और गुवाहाटी IIT में से पास होने के बाद वर्तमान में वह चेन्नई में एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रही हैं। कृषि मंत्री ने यूरिया की किल्लत पर जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया निर्देश। बढ़ती यूरिया के मांग के बीच बढ़ रही यूरिया की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभागीय अधिकारियों के अलावा सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को बैठक की। उन्होंने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि जिन जिलों से यूरिया किल्लत की शिकायत मिलेगी, वहां के DAO पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर उर्वरक कंपनी के स्तर से किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी बनी रही स्थिरता। तेल कंपनियों ने आज जब पेट्रोल डीजल की नई रेट लागू की, जिसमें देखा गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी स्थिरता है। शीर्ष चार जिलों की बात करें तो पटना में आज पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपये प्रति लीटर बिका, वहीं डीजल 94.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं भागलपुर में पेट्रोल 107.82 रुपये प्रति लीटर, डीजल 94.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दरभंगा की बात करें तो पेट्रोल 108.02 रुपये प्रति लीटर, डीजल 94.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मधुबनी में पेट्रोल 108.45 रुपये प्रति लीटर, डीजल 95.15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अब हर जिले में होगा यातायात थाना। बिहार में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था के बीच अब ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे। राज्य के बाकी बचे जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए IG ट्रैफिक MR नायक से प्रस्तावित थाना भवनों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता की जानकारी मांगी गई है। आपको बताते चले कि बिहार में 38 जिलों के अलावा 2 अतिरिक्त पुलिस जिले हैं। इन 40 में से 28 में यातायात थाना कार्यरत नहीं है, केवल 12 जिले में यातायात थाने हैं। जहां यातायात थाना नहीं है, कुल 15 थाने क्षेत्रफल के दृष्टि से बनाए जाएंगे। बढ़ती नदियों के जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन मंत्री ने दिए आवश्यक निर्देश। नेपाल में हो रही आफत की बारिश और सप्तकोशी नदी का बांध टूटने की वजह से उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं, जिससे उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। इस बीच बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि कोसी नदी के घटते बढ़ते जलस्तर के बीच नदी का कई जगह दबाव उत्पन्न हुआ है, जिसे आवश्यकता अनुसार ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोसी नदी का डिस्चार्ज पहले से घट रहा है। आपको बताते चले कि उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय से लोगों का संपर्क भंग हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के सर से छत छिन गया है, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी सिलसिले में जल संसाधन मंत्री सुपौल पहुंचे। कश्मीर में एक बार फिर बिहारी बने निशाना। एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के मजदूरों को टारगेट किया है। 2 महीने पहले जिस तरह बिहारियों को निशाना बनाया गया था, बीते एक दिन एक बार फिर यही दोहराया गया है। बीते दिन बिहारी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई। वहीं एक मजदूर अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले की पुष्टि करते हुए दोनों श्रमिकों की पहचान की है। इस हमले में जिसकी जान गई है, उसकी पहचान बिहार के परसा के मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। वहीं बिहार के रामपुर के पिता पुत्र मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल घायल हैं। खबर लिखे जाने तक दोनों की हालत स्थिर थी। बिहार में इस साल 86,951 बच्चे हैं स्कूल से
बाहर नहीं हुआ नामांकन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुए एक विशेष सर्वेक्षण में बिहार में कक्षा 1 से 8 में जून से 15 जुलाई तक 86,951 बच्चे स्कूल से बाहर मिले हैं। यह रिपोर्ट आपको भी हैरत में डाल सकती है जब आपको भी पता चलेगा कि इसी साल अप्रैल और मई के महीने में जिलों ने रिपोर्ट दी थी कि उनके पोषण क्षेत्र में अब कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है। हालांकि अब इन बच्चों को संबंधित प्राथमिक और मध्य स्कूलों में नामांकित करा दिया गया है। यह आंकड़ा सबसे अधिक सीतामढ़ी में है जहां 8,542 बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरे पायदान पर 8,452 बच्चों के साथ गोपालगंज है। वहीं सिवान में ऐसे 8,317 बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आईएएस सहित 4 की होगी संपत्ति जब्त, आरोप पत्र हुआ दाखिल। बिहार सरकार के नाक के नीचे धन कुबेर बन रहे अधिकारी पर सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पटना नगर निगम के पूर्व कमिश्नर आईएएस के सेंथिल समेत 4 लोगों की अवैध रूप से अर्जित 2,60,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति को चिन्हित करते हुए पटना जिला जज की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी अब इन सभी चिन्हित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेगा। जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें सेंथिल के अलावा पटना नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त बैजनाथ दास, सेंथिल के भाई के अयप्पन और विमल कुमार शामिल हैं। के सेंथिल कुमार वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं। एडीजे अविनाश के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की गई अपील। पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अविनाश कुमार पर किए गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि डीजीपी बिहार ने एडीजे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि ये गलत ढंग से समझने के कारण एडीजे अविनाश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसे वापस लेने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। भाजपा जदयू के गठबंधन में आगे एक साथ चुनाव लड़ना तय नहीं। एनडीए में आखिर चल क्या रहा है पता लगाना असंभव है। भाजपा बैठक में शामिल होने आए गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी और भाजपा जदयू का गठबंधन होगा। वहीं दूसरी ओर जदयू कह रही है कि गठबंधन वाले सवाल पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। दरअसल बीते दिन मीडिया से बातचीत के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी इस सवाल पर कुछ कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज की तारीख में यह फाइनल नहीं है कि बिहार में जदयू 2024 का लोकसभा तथा 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगा। हर घर तिरंगा अभियान को तेजस्वी ने बताया नौटंकी। देशभर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने की अपील की गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह सब बस नौटंकी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा और संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों को बताना चाहिए कि उसके मूल संगठन RSS ने कुछ दशक पहले तक नागपुर में अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया था। नागपुर में RSS के कार्यालय पर वर्ष 2000 के बाद तिरंगा झंडा फहराना शुरू किया गया था। तेजस्वी ने BJP और केंद्र सरकार के तिरंगा अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तिरंगा हर नागरिक के दिल में रहता है। देश के लोग उनकी इस नौटंकी से प्रभावित कभी नहीं होंगे। कांग्रेस के राजभवन मार्च को पुलिस बल रास्ते में ही रोका, कई हिरासत में। देश के साथ साथ बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में आज सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन मार्च निकाले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। इस कारण से पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान बताया गया है कि पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में दिल्ली राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर विरोध जताया और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित कई नेता दिल्ली में काला कपड़ा पहनकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। मुंगेर और देवघर होकर गुजरेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता से अगरतला के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन जमालपुर स्टेशन नहीं आएगी, लेकिन ट्रेन देवघर और मुंगेर के रास्ते चलेगी। उक्त जानकारी पूर्व रेल के मंत्री CPRO एकलव्य चक्रवर्ती ने दी है। CPRO ने बताया कि 05628 नंबर वाली ट्रेन अगरतला से कोलकाता के लिए देवघर और मुंगेर होते हुए 6 अगस्त 2022 शनिवार को रवाना होगी। इनका ठहराव नैहाटी, बंडल, वर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, सैंथिया, रामपुर हाट, दुमका, देवघर, बांका, भागलपुर और मुंगेर रेलवे स्टेशन पर अप एवं डाउन दोनों रूट में होगा। श्रीधर ने T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना भारत का पेस अटैक।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 में अभी 2 महीनों का समय है और भारत की 15 सदस्यीय टीम के लिए ऑडिशन जारी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया बहुत सारी व्हाइट बॉल सीरीज खेल रही है, जिसके जरिए वो खिलाड़ियों को परख रहे हैं। व्हाइट बॉल सीरीज में एशिया कप 2022 भी शामिल है, जो 27 अगस्त से UAE में खेली जाएगी। सबके मन में बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर सवाल है, जिसमें तेज गेंदबाजी आक्रमण का भी रोल होगा। भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने टॉप 3 तेज गेंदबाजों का चयन किया है, जो आगामी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। श्रीधर ने कहा है कि हमारे शीर्ष 3 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार होंगे। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले 20,000 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 20,551 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.49% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 70 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 172 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 68 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,11,400 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 285 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, ओमकार सिंह, श्रीकेश कुमार, रवि कुमार राज, अक्षय कुमार, दीप सेन कुमार, राम बाबू कुमार और रामवरण सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप अपने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था की सुविधा से संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।